नमस्कार, आप देख रहे हैं आरईडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं हरनौत के अरौत में, जहां पर श्रीराम कृपाल सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है। और इस कॉलेज के लिए आज खास मौका है, क्योंकि इस कॉलेज के संस्थापक श्रीराम कृपाल सिंह जी का आज पहली पुण्यतिथि है। और इस खास मौके पे आप देखिए कॉलेज में जो है कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस खास मौके पे बड़ी संख्या में आसपास के लोग, स्कूल के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, टीचर और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ सेक्रेटरी मौजूद हैं इस कॉलेज के, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज आपके लिए कितना बड़ा मतलब मौका है, खास मौका है। आज मौका नहीं कहेंगे, आज पिताजी का प्रथम पुण्यतिथि है और बहुत ही हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है कि आज हमारे पिताजी और इस कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय राम कृपाल सिंह जी आज इस पृथ्वी पर नहीं हैं, परंतु उनकी प्रेरणा हम लोग के साथ है। और उनकी जो सोच थी समाज के हित के लिए, परिवार के हित के लिए, उस सोच के अनुसार हम चलना चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि उनकी पद चिन्हों पर चले। और उनकी जो अधूरी इच्छा रह गई है वो सब पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। उनके द्वारा जो स्थापित संस्थान है, उस संस्थान में पठन पाठन जो उनकी सोच थी कि चलना चाहिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि सही ढंग से चले। आज हमारे बीच नहीं है, परंतु पार्थिव शरीर नहीं है, फिर भी उनकी सोच, उनके जो हमारे मन में उनकी जो छवि है वो मौजूद है। और हम उस सोच के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया कि श्री राम कृपाल सिंह जी इस श्री राम कृपाल सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के संस्थापक हैं। आज उनकी पहली वर्षी है और उनके ये पुत्र भी हैं और कॉलेज के सेक्रेटरी भी हैं। स्वाभाविक है, परिवार के लिए थोड़ा सा आज दुख गम का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि कह रहे थे कि हम, हमारे लिए वो प्रेरणा है और हम उनकी जो उन्होंने जो स्थापित किया है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी सोच को आगे ले जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? परम पूज्य महान शिक्षाविद एवं राम कृपाल सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के संस्थापक महोदय, जिनकी आज प्रथम पुण्यतिथि है, इस अवसर पर हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं। उन्होंने जिस शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य जगाई है, उनकी प्रेरणा से हम लोग अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से जो प्रोफेसर हैं यहाँ के कॉलेज के और दूसरे स्टाफ हैं जो श्री राम कृपाल सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ काफ़ी सारे, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप राम कृपाल सिंह जी को जानती हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? मिले नहीं हैं। उन्होंने कॉलेज की स्थापना की, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? वो बहुत अच्छे काम किए, सबको शिक्षा के लिए जागृत किए। वो ये बड़े मतलब बीएड का कॉलेज का दो गो का स्थापना किए हैं, चार गो आईआईटी का किए हैं, आईटीआई का किए हैं, और क्या कहें। बिल्कुल, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें याद कर रहे हैं, उनके काम को याद कर रहे हैं। आप लोग बताओ, आप लोग कुछ बोलोगी उनके बारे में, राम कृपाल सिंह जी के बारे में? सेक्शन के पहले ही वो डेट कर गए थे, तो हम लोग नया सेक्शन हम लोग का है ना, तो मालूम नहीं है।
उन्होंने कॉलेज बनवाया, इसकी स्थापना की, तो कहीं ना कहीं मतलब आपको लगता हुआ कि एक बहुत ही अच्छा काम किया जो आज हम तो शिक्षा के अधीन में बहुत ही अच्छा काम किए हैं। शिक्षा का है कि हर जगह नहीं मिलता, हम लोग के देहात टाइप के गाँव के तरफ ये कॉलेज है, बहुत ही अच्छा है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। बहुत महान व्यक्ति भी थे, इनके कई संस्थान भी और ITI कॉलेज है, फिर ये BEd कॉलेज है, 2-3 ITI कॉलेज है। हम आपको बता दें कि श्री राम कृपाल सिंह खुद एक टीचर थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मतलब पठन पाठन से जुड़े रहे और ख़ास करके मतलब कई कॉलेज और स्कूल जो है उन्होंने चलाया अपने जीवन में। सरकारी स्कूल में वो टीचर थे और जो मेरी जानकारी है कि वो मैथ के अच्छे टीचर में उनकी गिनती होती थी। और हरनौत जो विधानसभा क्षेत्र है उस हरनौत हाई स्कूल में लंबे वक्त तक उन्होंने सेवा दी थी। जिस प्रकार वसुंधरा पृथ्वी पर वट वृक्ष है वो हम लोग का धरोहर थे, वट वृक्ष के समान थे, उनसे हम लोग बहुत गुण सीखे और उनके नहीं रहने पर हम लोग बहुत अनाथ जैसा महसूस करते हैं। शिक्षा के मामले में जहाँ उनकी सोच थी, इस दूर दराज टाल वाले इलाके में उन्होंने इतने बड़े महाविद्यालय जो समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम किए। किस तरह से याद करते हैं आप राम कृपाल सिंह जी को? एक गुरुदेव राम कृपाल बाबू को हम लोग सच्चे हृदय से याद करते हैं। सुयोग शिक्षक, निर्भीक, निर्णायक, निष्पक्ष और वैसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने इस धरा को, इस बंजर भूमि को अपने प्रेरणा स्रोत से जीवंत बना दिया। उनकी अपूर्णीय क्षति को कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। आज के दिन उन्हीं को याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग उन्हें याद करते हैं। तो राम कृपाल सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आज उनकी पुण्यतिथि पे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सोचो क्या है जाचिना, सोचो क्या है जाचिना, अंतर यही जनाब। हम विद्यालय के मंदिर में हैं, सोचो हम विद्या के मंदिर में हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सोचो क्या है जाचिना, अंतर यही जनाब। अज्ञानी पत्थर पूजे, ज्ञानी पूजे किताब। अनपढ़ अधिकारी बने, जाकर ही पथशाल। अनपढ़ अधिकारी बने, जाकर ही पथशाल। मंदिर मस्जिद से बने, तीन ही गंगा। सीख दिया उन्होंने समाज के हर घर में शिक्षा का दीप जलाने का। मैं सरस्वती
में सबों से मिलने की चाह इतना कि मौत कर हरा के आए थे झारखंड से। मैं सबसे मन करता हूँ तो राम कृपाल सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आज उनकी पुण्यतिथि पे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, तमाम कवियों को उसके बाद सम्मानित किया गया। आपने देखा भले ही मौका जो है उनके आज पुण्यतिथि का हो, लेकिन पूरे श्रद्धा के साथ लोगों ने राम कृपाल सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया। योगेश चक्रवर्ती।